विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना का कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा मतदान एवं मतगणना का कार्यक्रम होना नियत है। इसी दौरान आगामी पर्व महाशिवरात्रि, होली, शबे बारात, चेती चंद, रामनवमी व महावीर जयंती एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 के परिपेक्ष में निर्गत शासकीय निर्देशों का अनुपालन कराने के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिनांक 21 फरवरी 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक जनपद मुरादाबाद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेध आज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्यों, जुलूस, शोभा यात्रा आदि का आयोजन नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थान पर गली या सड़क पर लाठी, डंडा, तलवार, भाला या आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रूप में प्रयोग की जाती हो या जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है, स्वयं या किसी सवारी आदि के साथ भ्रमण नहीं करेगा। ये प्रतिबंध सिखों के परंपरागत कृपाण लेकर चलने पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति शस्त्र अनुज्ञापी अपने शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना तथा किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस अवधि में पड़ने वाले किसी भी पर्व के अवसर पर कोई नई परंपरा को कायम करना तथा किसी को नई परंपरा कायम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में विवाह, शादियों की बारात में तेज गति से बैंड बाजा बजाना तथा तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना एवं बैंकेट हॉलों में तेज ध्वनि से डीजे बजाना व उसका प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निषेध आज्ञा की किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। देखिए, आगामी समय में विधानसभा के निर्वाचन जो संपन्न हुए हैं उसकी काउंटिंग होनी है, उसके अलावा विधान परिषद चुनाव होने हैं और इसी बीच कई पर्व त्यौहार भी हैं। इन सबको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता और त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वो निषेधात्मक निर्देश निर्गत किए गए हैं जो आज ही से प्रभावी होंगे।